रादौर के वार्ड नंबर 3 के घर में आसमानी बिजली गिरने से जले बिजली के उपकरण, हुआ हजारों रुपए का नुकसान। शनिवार को अल सुबह बरसात के दौरान आसमानी बिजली गिरने से शहर के वार्ड नंबर 3 में एक व्यक्ति के घर में बिजली के उपकरण जलने से हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। सौभाग्य से आसमानी बिजली गिरने पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वार्ड नंबर 3 निवासी राजेश कुमार ने बताया कि शनिवार की तड़के लगभग 3:30 बजे बरसात के दौरान अचानक आसमानी बिजली गिरने से उसके घर में इन्वर्टर, पंखे, LED, मोबाइल, डोरबेल व अन्य बिजली के उपकरण जलकर नष्ट हो गए, जिस कारण उसे हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। राजेश ने बताया कि उनके घर के पास भी आसमानी बिजली गिरने के कारण 1-2 घर में बिजली के उपकरण जले हैं। रादौर उपमंडल में शनिवार को 3 लोग मिले कोरोना संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने MLN स्कूल में लिए 153 बच्चों के सैंपल। उपमंडल रादौर में शनिवार को 3 लोग कोरोना वायरस की बीमारी से संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें एक व्यक्ति शहर के वार्ड नंबर 5 से व गांव खुदबन व जुब्बल से क्रमशः एक एक पुरुष संक्रमित पाया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शनिवार को शहर के मुकुंदलाल स्कूल में 153 बच्चों के कोरोना वायरस की बीमारी को लेकर सैंपल लिए हैं। सिविल हॉस्पिटल रादौर के SMO डॉक्टर विजय परमार ने बताया कि रादौर उपमंडल में कुल 377 लोग अब तक संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिनमें से 361 लोग बीमारी को मात देकर ठीक हो चुके हैं, जबकि 6 लोग अभी संक्रमित है, जिनमें से 5 लोगों को घर पर इलाज के लिए आइसोलेट किया गया है, जबकि 1 व्यक्ति को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। रादौर के गांव खुर्दबन में हरियाणा आजीविका मिशन द्वारा किया गया हरियाणवी फास्ट फूड कॉर्नर का शुभारंभ। रादौर के गांव खुर्दबन में हरियाणा आजीविका मिशन की ओर से हरियाणवी फास्ट फूड कॉर्नर का उद्घाटन किया गया। फास्ट फूड कॉर्नर का उद्घाटन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद व निदेशक आजीविका मिशन द्वारा नवीन आहूजा ने किया। इस अवसर पर नवीन आहूजा ने कहा कि यह फास्ट फूड ग्राम पंचायत खुर्दबन व आजीविका मिशन ने संयुक्त रूप से तैयार किया है। ग्रामीण क्षेत्र का यह फास्ट फूड सरपंच युवराज शर्मा के नतीजों के फलस्वरूप संभव हुआ है। इस अवसर पर खंड प्रबंधक राजकुमारी व जिला कार्यक्रम प्रबंधक देवेंद्र शर्मा ने बताया कि इस तरह का फूड कॉर्नर प्रदेश का पहला फूड कॉर्नर है, जिसको स्वयं सहायता समूह की महिला पिंकी व नेहा द्वारा शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि आजीविका मिशन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। मुकुंदलाल नेशनल कॉलेज में 14 हरियाणा बटालियन NCC यमुनानगर के तत्वाधान में स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत NCC कैडेट्स को कॉलेज के प्रिंसिपल एवं NCC अधिकारी मेजर डॉक्टर दीपक कौशिक ने प्लॉगिंग के विषय में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्लॉगिंग का अर्थ है जॉगिंग अथवा तेज सैर करते हुए भूमि से कूड़ा उठाना। उन्होंने बताया कि प्लॉगिंग का आरंभ स्वीडन में 2016 में हुआ था, जहां यह मुहिम स्वच्छता बनाने में सहायक सिद्ध होती है, वहीं स्वास्थ्यवर्धक भी है। वहीं डॉक्टर कौशिक की देखरेख में सभी कैडेट्स ने दौड़ दौड़ कर कूड़ा उठाते हुए प्लॉगिंग मुहिम के तहत सफाई अभियान भी चलाया। डॉक्टर कौशिक ने सभी कैडेट्स को प्लॉगिंग को अपने गांव एवं इलाकों में प्रचलित कराने के लिए भी प्रेरित किया, ताकि वातावरण स्वच्छ एवं लोग स्वस्थ रहें।